डॉलर बेलगाम, रुपया हल्का, अमरीकी करेंसी की 4 रुपए की लंबी छलांग, एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी बना डाली। ओपन मार्केट में तेवा 300 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए महंगा, 291.50 रुपए पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 141 पॉइंट्स की तेजी, 100 इंडेक्स 48,500 पॉइंट से तजावुज कर गया। मुल्क में महंगाई का सिलसिला ना थम सका, एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। एलपीजी की फी किलो कीमत 220 रुपए हो गई, पहाड़ी इलाकों में एलपीजी 255 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 3015 और कमर्शियल सिलेंडर 11,600 रुपए का हो गया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? चीफ जस्टिस के सवाल पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उछवा दिए। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदियाल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकेकार से करे। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। आइंदा इंतखाबात कब होंगे, नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का हम इजलास आज की बजाय कल होगा। हल्का बंदियों के लिए कितने महतरकार होंगे, इजलास में जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्हक काकड़ हल्फ उठाते ही इन एक्शन, निगरान काबीना की तश्कील के लिए तैयारी शुरू कर दी, तमाम वजारतों से अहम इशूज़ पर ब्रीफिंग ली। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी जाए जहाँ सरमायाकारी मुतवक्के है। सत्र आरिफ अलवी की पैबरा तरमीमी बिल 2023 पर हिमायत के तीन दहानी। सत्र मुमलिका से PFUJ, APRS, PPAS, CPNE और MN के नुमाइंदों की मुलाकात। वफद ने सत्र मुमलिकत को नए बिल के मुख्तलिफ शिकों से मुतालिक आगाह किया। सत्र ने मीडिया वर्कर्स, सहाफी बरादरी को पैबरा तरमीमी बिल पर हिमायत का यकीन दिलाया। मीडिया वर्कर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, पैबरा कानून में तरामीम मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी की इज्तमाई कोशिशों को सराहा। सदर आरिफ अलवी का कहना है तरमीमी बिल मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी लाया है। दोनों के बारे में इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरान वज़ीर आला का नाम मुंतखब किया है। दोनों लीडरशिप की तरफ से ये नाम हम सब की बाहमी इत्तेफाक से ये नाम को चूज किया गया है। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर होंगे। मुराद अली शाह और राणा अंसार में इत्तेफाक हो गया। गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी ने मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला बनाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। मकबूल बाकर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बरदारी गवर्नर हाउस में होगी। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कानून और आइन के तहत मुआवनत फराहम करेंगे। नामजद निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एक्सप्रेस न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा निगरान काबीना पर कोई मुशावरत नहीं हुई, कम अरसे के लिए आए हैं, हुकूमती पॉलिसीज में रुकावट नहीं बनेंगे, जरूरत पड़ी तो नई पॉलिसीज लाएंगे, अवामी मसाइल हल करना हमारी तरजीह होगी, कोशिश करेंगे मौजूदा निज़ाम से ही काम चलाएं। मौजूदा ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है कि अवाम को रिलीफ पहुंचाए, ऐसा कोई काम ना हो जिससे सूबे के अवाम का नुकसान हो। कराची में खुले मैन होल ने एक और नन्नी जान ले ली। 3 साल का बच्चा खुले मैन होल पे गिरकर जा रहा। नुमान मेमन गोट में रिश्तेदारों के घर आया था, बाहर खेलते हुए मैन होल पे जा गिरा। अहले इलाका का कहना है कि खुले मैन होल कई बार इंतजामिया से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
सिंध में बच्चों से जिंसी ज्यादती में मुलव्वस टीचर की रिहाई का कदम। खैरपुर में बच्चों से रेप से मुतालिक मातहत अदालत का फैसला कदम करार दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का दोबारा ट्रायल करने और मुलजिम सारंग को तहवील में लेने का हुक्म। पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि सारंग शहर पर कत्ल, जायदाद पर कब्जा और बच्चों से रेप के 8 मुकदमात हैं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस दोबारा चलाने का हुक्म दे दिया। आईजी सिंध को बच्चों से रेप के मुतालिक यूएसबी का 2 माह में फॉरेंसिक करने की हिदायत। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में 2 बच्चों की मां से ज्यादती। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और दीगर अहम शवाहिद जमा कर लिए। अस्पताल इंतजामिया ने मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। अनवारुल हक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर अब्दुल मालिक के नाम पर इत्तेफाक किया था। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ को निगरान वजीर आजम से उम्मीदें हैं। अनवारुल हक ऐसी काबीना बनाए जो गैर जानबदार हो। उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। ये निगरान वजीर आजम पर मुनहसर है, वो किस तरह इंसाफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारी बातचीत में डॉक्टर अब्दुल मालिक का नाम आया था। उनके नाम पर किसी को एतराज नहीं था। जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा, हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आला पुरा केस के नाम निकलेगा। मुशावरत का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पसंजू से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मालिक सिकंदर खान की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में दोनों जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर मुशावरत की गई। हतमी नाम का इंतखाब बाहमी इत्तफाक राय से करने का फैसला। हतमी फैसले तक मुशावरत के लिए मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टिकट की फरोख्त 25 अगस्त से शुरू होगी। आईसीसी के मुताबिक टिकट लेने वाले शायकीन को आधे हफ्ते से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। वर्ल्ड कप के मुकाबले 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में शेड्यूल हैं। भारत के 10 वेन्यूज 41 रोजा मैदान की मेजबानी करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहलिया बेगम नुसरत शहबाज की तबीयत मुसलसल नासाज। इलाज के लिए लाहौर से लंदन मुंतकिल किए जाने का इम्कान। खानदानी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ भी अहलिया के हमरा आइंदा चंद रोज में लंदन रवाना होंगे। लंदन में शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला और राना तनवीर का भी लंदन रवानगी का इम्कान। नून लीग की क़यादत आम इंतखाबात और नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी पर मुशावरत करेगी। साबिक सूबाई वज़ीर शमसान बुखारी ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। शमसान बुखारी कहते हैं कि हर मुहिबे वतन पाकिस्तानी की तरह नौबाई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी पर जमानतें खारिज की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2, थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज है। उधर अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। दोनों की मुलाकात 2 घंटे जारी रही। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। थाना कोसाल में दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। पी
पी टी आई के मरकजी सदर परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को तफ्तीश के लिए रैप के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आला पर सरकारी ठेकों में घपलों और किक बैक्स लेने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के माफीनामे पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफी मांग ली। कहा, मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन अब इस केस पर कार्रवाई खत्म करे। तहरीके इंसाफ के वकील रहमा हसन न्याजी गिरफ्तार। रैप्टाबाद पुलिस ने हसन न्याजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर पुलिस भी हसन न्याजी की हवाले के लिए तैयार। महकमा दाखिला बलूचिस्तान को खत लिख दिया। उधर पेशावर की खसूसी अदालत ने पीटीआई के साबिक मुशीर कानून आरिफ यूसुफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुलिस ने साबिक रुकने सूबाई असम्बली को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया। लाहौर में हवाई फायरिंग एक और जान ले गई। आजादी चौक में अंधी गोली लगने से 6 साल बच्ची जा भाग। हमदास निशान को गोली लगने पर भी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जान भर न हो सकी। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर, गुजरांवाला, जंग और मजाफात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी बारिश। दीर, टांग, नौशहरा, मर्दान, सवाबी और मालाकंड में बादल खुलकर बरसे। दीर रोहर में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी। जीटी रोड मलबे से भर गया, ट्रैफिक मुतासर। दीर रोहर में मट्टी का तोता मकान पर गिर गया, 8 अफराद जख्मी। टांग में सैलाबी रैला गाँव नंदूर में दाखिल, कई मकान मुनहदे, मुतादिद अफराद बेघर हो गए। कोट के आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अगले साल शादी के बंधन में बन जाएंगे। अहले खाना ने तैयारी शुरू कर दी। फैमिली का कहना है कि बाबर आजम की पूरी तवज्जो क्रिकेट पर है। एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद भी मसरूफ तरीन सीजन है। बाबर आजम की शादी अगले साल नवंबर या फिर दिसंबर में हो सकती है। पख्तूनख्वा के शहर औरंगज़ई में पहले 4 रोजा पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का इनेकाद। मुल्क भर से 60 पैराग्लाइडर्स ने 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। मुकाबले में अफगान खातून ने भी शिरकत की। औरंगज़ई में पहले पैराग्लाइडिंग क्लब का संगे बुनियाद भी रखा गया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम बर्मिंघम रवाना। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के मुकाबले 17 अगस्त से बर्मिंघम में शुरू होंगे। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 17 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स 27 अगस्त तक जारी रहेंगी। फीफा विमेन वर्ल्ड कप में स्पेन ने तारीख रकम कर दी। पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन ने सेमीफाइनल में स्वीडन को 1-2 गोल से शिकस्त दे दी।